आज 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी, 18 करोड़, ये 18 करोड़ सदस्यों की ताकत है कि प्रचंड बहुमत की सरकार देश के अंदर बनती है। तो जो संकल्प डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था धारा 370 को समाप्त करने के लिए, उद्योग मंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल से छोड़ करके चले गए थे और कहा था ये नहीं चलेगा देश के अंदर, और कश्मीर आतंकवाद के साए में चला गया था। इसी कांग्रेस के कारण जो आज ज्ञान बांट करके झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं, तब जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे कि अगर मैं बहुमत में होता तो सबसे पहले धारा 370 हटाओ। दो सदस्य थे लोकसभा के अंदर, मजाक हुआ था अटल जी का, हम दो हमारे दो, तब अटल जी ने कहा था वक्त आएगा समय बदलेगा और 1980 के अधिवेशन में इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल। और आज स्थिति यह है कि जब आपकी मेहनत आपका मेंबर बनाने के कारण 18 करोड़ मेंबर बनते हैं और परंपरागत विरोधी भाजपा का मतदाता बनता है और वो मतदाता भाजपा का सदस्य बनता है, तो अमित भाई शाह जो जिनको कहा जाता है कि भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य हैं, आधुनिक चाणक्य जब वो काम करना प्रारंभ करते हैं तो हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े दल तो बनते हैं लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 370 का संकल्प भी देश का है, इसके लिए सदस्य बनाना है। उस गरीब के जीवन में खुशी लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए, इसके लिए सदस्य बनाना है। तो आप जो काम करने वाले संगठन के इस पर्व में, ये सामान्य काम नहीं है, ये बड़ा काम है। हम सत्ता में भी आएंगे, हम दुनिया के बड़े दल भी बनेंगे, लेकिन हम गरीब के जीवन में खुशी लाने वाले बाहर भी बनेंगे। अगर उस झुग्गी झोपड़ी के अंदर आपके प्रवेश से वहां के बच्चे अगर ठीक दिशा में जाते हैं तो आप कितने लोगों का जीवन बदल रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं को आपके माध्यम से उस झोपड़ी के अंदर उतार दिया, उस मोहल्ले में उतार दिया, तो उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा, और ये बदलाव आ रहा है। अमित जी ने अभी जो पहली कार्यशाला अखिल भारतीय हुई थी, भगवान दास जी को याद है क्या बोला था उन्होंने दिल्ली के अंदर, क्या है ये, अरे जो कभी हमेशा फेल होते थे वो ग्रेस का अंक लेकर के 33 नंबर ले आए तो वो अपने आप को उचक रहे और तुम लोग लग रहा है कि क्या हो गया। अरे ताकत के साथ मैदान में रहो। और हम इस बार देश के अंदर उन्होंने कहा था कि 35 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम चालू हुआ है, काम की ताकत के बल पर आगे बढ़ेंगे। तो भोपाल के अंदर मध्य क्यों नहीं जीत सकते, बोलो जी सकते हैं, जी सकते जी सकते। इस जीत का आधार सदस्य बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। तो मैं तो कहता हूँ जितने नेता है मध्य के सबको पूर्णकालिक बना दो, 1.5 महीने के लिए सबको लहर लगा, कोई नहीं आपको सबको पूर्णकालिक जाओ, एक एक घर मत छोड़ो, क्योंकि इसकी जरूरत है। इतने कम समय में बड़ा लक्ष्य पूरा हो, आप मुझे बताओ अगर मध्य विधानसभा का हमारा विधायक बनता है तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी, उत्तर विधानसभा में अगर हम ब्रेक करते जब हम छिंदवाड़ा जीत सकते हैं तो उत्तर क्यों नहीं जीत सकते, और क्या पहले जीते नहीं भगवान दास जी, पहले भी जीते, लेकिन हमने प्लानिंग तैयारी चाहिए। तो सदस्यता इसका आधार है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर मिला है। अगर ये अवसर हमने भाषणों में, ज्ञान बांटने में या इधर उधर कर दिया तो फिर कोई नहीं पूछा, फिर मार खाओ, रोज का काम है। क्योंकि हमें दर्द होता है जब कठिनाइयां होती हैं, हमें दर्द होता है जब चीजें सुनने को मिलती हैं, तो इन चीजों को ब्रेक करना तो हमारा सबसे बड़ा आधार अपने बूथ को मजबूत करने में, जिन बूथों पे आए वहां इतनी मेंबरशिप करो, इतनी मेंबरशिप करो, क्योंकि अवसर होता है। अभी आज आदमी जुड़ेगा, अभी कोई चुनाव नहीं है, आप स्वार्थ से नहीं जा रहे, आप सेल जा रहे हो, आदमी कहेगा ठीक है सदस्य बनेंगे। और एक बार मेंबर बन जाता है तो मैं आपको कह रहा हूं, आप अपना अनुभव लीजिए, अपना सबका, मेरा खुद का अनुभव है, हमको विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में आके पकड़ लिया, यहां सबसे भ्रापाती ये आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं, तो उन्होंने छांटे 4-5 लड़के जो बहुत करते हैं, बुलाओ इनको,
ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जिनके अंदर रिस्क बेयरिंग एबिलिटी होती है वो समाज का काम ताकत से करते हैं। चंद्रशेखर आजाद घर में सबसे उद्यमी नौजवान था जिसने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन कभी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आया, आजादी का क्रांतिकारियों का नेता बना। तो कोई कुछ भी कहता है, आजादी मिली तो ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण से मिली। तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने वार्डों में, अपने अपने बूथों में ऐसे क्षमतावान नौजवान कौन है? हमारी कौन सी ऐसी बहन है जो उस क्षेत्र में एक्टिव है लेकिन हमसे नहीं जुड़ी है? इसको जोड़ दो, आप देखो परिवर्तन कैसे करती है। तो ये अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सदस्यता के लिए, ये आवश्यक है। सारे मोर्चों की जो ताकत है, मोर्चों की बड़ी ताकत है और श्रम और पसीना बहाने का काम मोर्चे कर सकते हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा क्यों प्लान नहीं करता? भोपाल के अंदर जो क्लस्टर है, जो अनुसूचित जाति के भाई और बहन ज्यादा रहते हैं, उनमें हम जाएंगे और वहां उस क्षेत्र में हम करेंगे। क्यों नहीं कर सकते?